हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर डूइंग वर्कशीट नंबर थ्री ऑफ चैप्टर नंबर थर्टीन चैप्टर नेम इज मिट्टी वर्कशीट थ्री क्वेश्चन नंबर वन हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमिट्री विल आ स्क्र हैव एक स्क्र की कितनी लाइंस ऑफ सिमिट्री होती हैं एक्सप्लेन बाय फोल्डिंग आपको उसको फोल्ड करके एक्सप्लेन करना है बच्चे आ स्क्र हैज फोर लाइन्स ऑफ सिमिट्री बचे एक स्क्वेयर की फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है तो ये एक स्क्र पेपर है मेरे पास ठीक है तो मैंने इसको फोल्ड करना है एक तो आपकी साइड से हमने इसको फोल्ड किया लाइक like दिस फिर दूसरी साइड से मैंने इसको फोल्ड किया लाइक like दिस और तीसरा मैंने ये फोल्ड किया आपका डायग्नस थ्रू डाइग्नस ठीक है तो अब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये ये शेप हो जाएगी लाइक दिस ठीक है तो ये आपका फर्स्ट फोल्ड है ये सेकेंड फोल्ड है ये थर्ड फोल्ड है और ये फोर्थ फोल्ड है तो ये आपकी फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है जस्ट लाइक like ऐसा होगा टू थ्रू द साइड्स एंड टू थ्रू द डाइगनल्स ये दोनों डाइगनल्स हो गए और ये दोनों साइड से हो गए तो ये आपने ऐसा फोल्ड बनाना है पेपर फोल्डिंग करनी है और इसको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है राइट नाउ क्वेश्चन नंबर टू गिव रीजन टू शो हाउ मैनी लाइन्स ऑफ मिट्री विल आस्र स्केयर हैव एक रीजन बताइए जिससे ये शो हाउ मैनी लाइन्स ऑफ मिट्री विल आस्केयर है स्केयर की कितनी लाइन्स ऑफ लाइन ऑफ मिट्री विल अस्कअर हैव इनर स्क्र ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगनल आर ऑल्सो इक्वल इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम बुक में से रीड करते हैं गिव रीजन टू शो हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री विल हैव एक स्क्र के पास स्कर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमिट्री हो सकती हैं इन अ स्क्वेयर लाइन्स स्क्र है फोर लाइन्स ऑफ सिमिट्री है और इसका रीजन बताना है इन आस्क ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री कैसे होती हैं क्योंकि उसका सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और डायग्नल्स भी जो है वो भी इक्वल हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल अ जनरल क्वारेटर हैव बच्चे जनरल क्वारडिलेटर में क्या है तो ये आपका एक मैंने फिगर ड्रॉ किया इसमें फोर साइड्स है दिस वन इज कॉल्ड द जनरल कोर्डिलेटर इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है नन ऑफ द लाइन लाइन इज हेयर। सो वी राइट द आंसर नो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ हाउ मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री विल अ काइट एक काइट की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं मुझे ये लाइन काइट की मैंने फिगर ड्रॉ की है तो इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और ये आपको फिगर भी ड्रॉ करनी होगी राइट हाउ मेनी ऑफ सिमेट्री विल एन हैव एक आइसोसलेस ट्रिपीजियम में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो सकती है ड्रॉ दीज लाइन्स और इन लाइन्स को ड्रॉ करिए एन आइसोसलेस ट्रिपीजियम इज़ वन हुज नॉन पैरल साइड्स आर इक्वल आइसोसलिस ट्रिपीजियम क्या होता है जिसकी कोई आ, ये दो साइड्स जो पैरल साइड्स हैं वो इक्वल नहीं होती इसमें ठीक है तो बच्चे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपीजियम होता क्या है ट्रिपीजियम इज ए क्वारिलेटर इन विच ओनली वन पेयर ऑफ लाइन आर पैरलर तो ट्रिपीजियम एक क्वारिलेटर है जिसमें वन पेयर ऑफ लाइन है लाइक दिस like ये पैलर है ठीक है तो आपको यहाँ पर क्या बताना है एक ऐसा ट्रिपीजियम बनाइए जो कि आइसोसलेसो आइसोसलेसो मीन्स उसकी दो साइड्स इक्वल हो तो इस ट्रिपीजियम में मैंने ये साइड और ये साइड इक्वल रखी है ठीक है तो आपको इसमें लाइन ऑफ मिट्री ड्रॉ करनी है तो कितनी लाइन ऑफ मिट्ट्री होगी यहाँ पे ओनली वन ओनली वन लाइन ऑफ मिट्ट्री इज हेयर राइट तो ये वर्कशीट आप लोगों की कंप्लीट हो गई आप इसको रिवाइज करोगे और अपनी नोटबुक्स पर कंप्लीट करोगे